आज ना पता है मुझे सुबह सुबह उठ के मैगी खाने का मन कर रहा था। एक्चुअली आज क्या हुआ था ना, थोड़ा सा बारिश हुआ था यहाँ, और बारिश में गर्मा गर्म मैगी का मज़ा ही कुछ और आता है। इसीलिए मैंने सुबह सुबह जल्दी से उठी, फ्रेश हो गई और थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा कैप्सिकम और थोड़ा सा गाजर और थोड़ा सा टमाटर और ओनियन का साग, उसको आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो वो सब मैंने पहले छोटा छोटा काट ली। फिर और कोई रास्ता ही नहीं था, अपना छोटा सा वो जो कुकर है, इलेक्ट्रिक कुकर, उसी में थोड़ा सा ऑयल डाले, फिर थोड़ा सा लहसुन, फिर कटा हुआ मिर्ची, फिर उसको थोड़ा सा हिलाई। ये तो ऑटो कट होता है तो कभी कभी अपने आप बंद हो जाता है, इसी बात से आपको परेशान नहीं होना है। फिर थोड़ी देर बाद फिर अपने आप ऑन हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करके इसको चलाना पड़ता है। लेकिन आप चाहो तो कुछ भी बना सकते हो उसमें, वैसे कुछ भी मतलब बहुत कुछ बना सकते हो। फिर ये जो हुआ ना, तो मिर्ची और मेरा जो लहसुन है, थोड़ा सा उसको फ्राई की ऑयल में, फिर मैंने प्याज के पत्ते जो होते हैं, ओनियन के पत्ते, उसको डाली, जो छोटा छोटा मैंने पहले से ही काटा हुआ था। फिर बाकी तो उसको भी थोड़ा हिलाई अच्छे से, और फिर बाकी सारे वेजीज को डालने की कोशिश की, जैसे कि गाजर डाली। फिर मैंने गाजर के बाद, गाजर डालने के बाद फिर से थोड़ा हिला दी, फिर गाजर डालने के बाद, हिलाने के बाद फिर मैं इसको प्याज डाल दी, और प्याज डालने के बाद इसको और थोड़ा हिलाई। सच में अभी से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि कब ये ख़त्म होगा बनाना, और मैं मतलब इसको खाऊंगी गरम गरम इस मौसम में। फिर मुझे याद आया मैंने कैप्सिकम भूल गई थी, फिर मैं कैप्सिकम थोड़ा डाल दी। अब कैप्सिकम के बाद भी थोड़ा हिलाना था मुझे। ये ना अब तक बंद हो चुका था, इस बात से आपको परेशान नहीं होना है, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना तो ये बंद ही हो जाता है, इसी वजह से आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ा इसको अच्छे से हिलाना है, जो गर्मा गर्म उसका हवा चल रहा है ना अंदर ही अंदर, वो जो है ना इसे आधा पक जाता है। फिर इसके बाद तो और अच्छा सा, देन मैं इसमें टमाटर भी डाल दी थी बीच में, जो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, लेकिन मैंने इसमें टमाटर डाल दी थी। अब सब कुछ थोड़ा सा ढक दी थी तो पक ही चुका था। थोड़ा पकने के बाद अब मैं मैगी, एक्चुअली मैगी ही नहीं था, ये नूडल्स था, पतंजलि का आटा नूडल्स, मैं थोड़ा हेल्दी प्रेफर करती हूँ इसीलिए मैंने पतंजलि का आटा नूडल्स डाला हुआ था। फिर मैं इसमें अपना पतंजलि का मसाला डाल दी थोड़ा, और इसको अच्छे से हमें हिलाना पड़ेगा, क्योंकि बिना हिलाए ना टेस्ट बदल जाता है, जैसे ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसीलिए मैं पहले मसाला और मैगी, या फिर चाहे आटा का नूडल्स है, कोई भी नूडल्स हो, वो और मसाला को अच्छे से हिलाना ही पसंद करती हूँ। फिर मैंने इसको अच्छे से हिलाई, अब तो वो और भी ज़्यादा मेरे मुंह में पानी आने लगा था, मतलब देख के ऐसा लगा था अभी खा जाऊँ, पूरा पकने तक का इंतज़ार ही ना करें। फिर ये हिलाते वक्त ही मुझे याद आया कि पानी भी डालना होता है, और अब तक मैं ये ना बंद हो चुका था, अब पानी डालेंगे ना फिर ऑन हो जाएगा। ये बात फिर याद रखना, ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों हो गया। फिर मुझे पानी डालना पड़ा, फिर थोड़ा सा मैंने इसमें इसके हिसाब से पानी डाल दी, और अब थोड़ा इसको मैंने पकने दिया अच्छे से थोड़ा, फिर उसको ढक ली ढक्कन से, थोड़ी देर बाद खुली, ये तो यमी बन चुका था। फिर ट्रे में निकाल दी, फिर कटा हुआ ओनियन ऊपर से डाल दी, मस्त उसको एंजॉय की। मैं तो इसी में ही ये इलेक्ट्रिक केटल में बनाते बनाते इतना अच्छा अच्छा खाना बनाने लगी हूँ कि अब तो घर का ही आदमी